जो एमडी के लिए नीट होता उसको चेंज कर दिया, उसका जो डेट पोस्टपोन कर दी, लेकिन नीट के एग्जाम की 33 लाख बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर जो है वो स्टेक पे है। शहबाज साहब, मैं आपकी विसादत से सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि अगर मेडिकल स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम में धांधली होगी और ऐसे ऐसे लोग नीट में क्वालिफाई जिन्होंने पूरे पूरे नंबर, क्योंकि अगर एक अनपढ़ आदमी भी नीट में अगर वो क्वालिफाई कर रहा है तो वो कल डॉक्टर बन के लोगों की जान भी खतरे में रहेगी, लोगों का भविष्य खतरे में है, ये तो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। आज जिसने आपने देखा कि कितने ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिसको अपने नाम का स्पेलिंग नहीं आता वो नीट क्वालिफाई कर रहा है, टॉपर है। कुछ ऐसे जो 12th में फेल हो गया और नीट में टॉपर है। इस तरीके के इंसिडेंट पूरे देश में मिल रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही और आज हमारे 33 लाख बच्चों का फ्यूचर भविष्य अंधकार में है, उनका फ्यूचर तबाह होने की कगार पर है, लेकिन सरकार जाग नहीं रही। और मुझे नहीं समझ आती कि वो पिछले दिनों हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने भी नीट स्टूडेंट से बात की, आज हमारा संगठन हमारा जम्मू के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज कांग्रेस पार्टी ने किया कि नीट एग्ज़ाम की धांधली को लेकर किया, लेकिन सरकार इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि वो खुद भी इसमें मिले हुए हैं। और ये जो सरकार है NDA 3, ये घोटालों की सरकार है, इन्होंने घोटाले किए हुए हैं, इनका शेयर है। इसी वजह से क्या क्या रीज़न है ये चुप क्यों है? क्योंकि इनका खुद शेयर है। NDA एक तरफ से आज 23 तारीख को आज MD का इंट्रेंस था, इन्होंने वो पोस्टपोन कर दिया, NTA का चेयरमैन हटा दिया। तो फिर सरकार क्यों नहीं ये मानती कि नीट के एग्ज़ाम कैंसिल, अगर डाउट हुई है तो कैंसिल करना चाहिए। इन्होंने UGC नेट का 9 लाख स्टूडेंट सफ़र हुए हैं, उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जब से ये सरकार आई है पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये भ्रष्ट सरकार है और लोग देख रहे हैं कि इस सरकार के चलते हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो अंधकार में है, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इफ्तिखार साहब, आप थोड़ा सा सियासी हम बात करते हैं,